श्री गुरवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय श्री गौर प्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तौर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा से ही हम लोगों को श्री रूप गोस्वामी जी के दिव्योपदेशों को चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसके अंतर्गत हमने कल सुना किस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी जी महाराज बतला रहे हैं कि देखो वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा, चतुर व्यक्ति होगा जो कि श्री राधा कुंड के पावन तट पर जाकर जो श्री राधा गोविंद देव जी का अष्टकालीय लीला का चिंतन करेगा, क्योंकि जैसे श्रीमती राधिका जी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है उसी प्रकार उनका कुंड भी बहुत प्रिय है। क्या बोलते हैं, जैसे एक कर्मी है उससे जो सकाम कर्मी है उससे जो निष्काम जो कर्मी है वो भगवान को प्रिय है, और उससे श्रेष्ठ जो ब्रह्मज्ञानी है। एक क्रमोन्नति की बात बोल रहे हैं, जैसे जैसे और अंत में बतला रहे हैं गोपियाँ श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिया है और गोपियों के मुकुटमणि श्रीमती राधिका जी अतिशय प्यारी है और राधा जी के जो अभिन्न स्वरूप श्री राधा कुंड है वो भी कृष्ण को उतना ही प्रिय है। उसके आगे बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, कृष्णस्य उच्चै प्रणय वसेति प्रेयसीभ्यो अपि राधा कुंडम चास्य मुनिभिरभिर् स्त्रत ब्रगेव व्यधाई यत्प्रेष्टेरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्ति भाजं तत्प्रेमेदं सकृदपि सरस्नातुरविष्करोति। यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो अन्य प्रियतम गोपियाँ भी गोपियों में भी श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्रिया है, प्रियपात्र है, इतने सारे गोपियाँ एक नहीं दो नहीं उनमें से विशेष रूप से अगर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जो प्रिया है
वो कौन है? वो बोलते श्रीमती राधिका जी है, और उन्हीं के समान श्री राधा कुंड भी उनको अतिशय प्रिय है। ऐसे मुनि जनों ने सर्व प्रकार से विचार पूर्वक कहा है, शास्त्र में बता दिया इस बात को स्पष्ट करके कि श्रीमती राधिका जिस प्रकार से प्रिय है उसी प्रकार उनका कुंड भी प्रिय है करके मुनि गणों ने यहाँ पर बड़े सुंदर विचार व्यक्त किया। बोलते लेकिन साधना करने वाले साधक जो भक्त होते हैं उनका तो कहना ही क्या, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो लोग भी उस गोपी प्रेम को, वो लोगों के लिए भी वो अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषिगण उन लोगों के लिए भी ये प्रेम अत्यंत दुर्लभ है बतला रहे हैं, साधारण साधकों के लिए तो कहना ही क्या। क्या बोलते वहाँ पर, तो वो प्रेम प्राप्त कैसे होगा अगर इतना दुर्लभ है ये प्रेम, तो इस दुर्लभ प्रेम की प्राप्ति किस प्रकार से होगी? वो बोलते हैं जो व्यक्ति उस राधा कुंड के अंदर स्नान करता है उसको वो प्रेम सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता है। यद्यपि जो गोपी प्रेम है, जो कांत प्रेम है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्मों में, वो किसी अन्य साधना के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गोपियों के अनुगत किए बिना, गोपियों के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण किए बिना उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। और वही प्रेम लेकिन यहाँ पर केवल मात्र श्री राधा कुंड का आश्रय लेने पर, राधा कुंड में स्नान करने पर सहजता से प्राप्त कर लिया जाता है, जो कि देव दुर्लभ है। ये विशेषता यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, जो श्री राधा कुंड की महिमा को बतलाकर, किस लिए बतला रहे राधा कुंड की महिमा? पूर्व में बताया कि देखो श्री राधा जी और उनके जो भाव में, कांत भाव में आराधना करने पर ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, कृष्ण कृपा करते हैं, कृष्ण अपना लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। और यहाँ पर इस बात को बतला रहे हैं, किस लिए बतला रहे हैं? क्योंकि साधक के अंदर दृढ़ता उत्पन्न कराने के लिए, उस वस्तु के प्रति एक दृढ़ता उत्पन्न कराने के लिए, दृढ़ भाव से आश्रय ले सके, उसके लिए वो इसको यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और उसके अंदर दृढ़ता हो कि राधा कुंड के प्रति उसका समर्पण, उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो, उस उद्देश्य से यहाँ पर यह बात को बतलाया जा रहा है। श्रीमती राधिका जी कृष्ण की प्रियतमा और उनके समस्त प्रियाओं के शिरोमणि स्वरूप है। जितने भी गोपियाँ हैं उन गोपियों का जो शिरोमणि स्वरूप हैं श्रीमती राधिका जी हैं, जो जो कि श्री कृष्ण की प्रियतमा है। श्रीमती जी का कुंड भी श्रीमती जी के समान ही कृष्ण को, कृष्ण का सर्वोत्तम प्यारा स्थान है। श्री कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? राधा कुंड, क्योंकि वो श्री राधा जी का स्थान है। जब राधा कुंड प्रकट हुआ था तभी भगवान ने ये बात की घोषणा कर दिया था कि मेरा जैसा तुम प्रिया हो
ऐसा ही ये कुंड भी मेरा अतिशय प्रिया है। तो इसलिए बोलते ऐसे भक्त मुनियों ने वर्णन किया है, जो भक्तगण है उन्होंने वर्णन किया। साधक भक्तों का तो कहना ही क्या, श्री नारदादि जैसे भगवान के अतिशय प्यारे भक्तों के लिए भी जो गोपी प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, उसी सर्वोत्तम गोपी प्रेम को यह राधा कुंड एक बार स्नान करने वाले व्यक्ति को सहज ही प्रदान करता है। ऐसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बतला रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? गुरु महाराज जी ने भी इस बात को बोला था। गुरु जी बोलते हैं कि राधा कुंड किसके लिए है, गोपी प्रेम जो है वो किसके लिए है? जो लोग शांत दास साख्य और वात्सल्य रस में श्रेष्ठ हैं उनके लिए भी नहीं है, वो नंद यशोदा आदि के लिए भी नहीं है, सखाओं के लिए किसी के लिए भी नहीं है। इधर यहाँ लिखा कि गोनारद आदि उनके लिए भी जो भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, भगवत प्रेम उनके लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है कि गोपी प्रेम, गोपी प्रेम की इच्छा है तो गोपियों का ही अनुगत करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि राधा कुंड गोपियों का स्थान, श्री राधा जी का अभिन्न स्वरूप है, वहाँ जाकर उनके पाद पद्म में आश्रय लेने पर गोपी प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम तो है, गोपी भाव प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम तो है, इसीलिए बोलते हैं कि वो शांत में है, दास्य में है, साख्य में, वात्सल्य में, लेकिन जो सबसे ऊपर में, जो पराकाष्ठा स्वरूप में प्रकाशित है, जो कांतरस बोलते हैं, उस प्रेम को अगर किसी को प्राप्त करने की अभिलाषा है, जो कि ब्रह्मा नारदादि जैसे महान भक्तों को लिए भी दुर्लभ है, वो कहाँ से प्राप्त होगा? राधा कुंड में जाकर स्नान करने से प्राप्त होगा। हम जाके डुबकी लगाएंगे, मिल जाएगी फिर तो। तो यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए बात को समझना होगा। ये नहीं है कि नारदादि के पास मतलब प्रेम ही नहीं है। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि चैतन्य महाप्रभु के मार्ग में आना, धारा में आना, अगर गोपी प्रेम में के पथ पे है तो ही चैतन्य महाप्रभु का अनुगत में आया, अनुयायी है, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु का वो तो अनुयायी ही नहीं। इस प्रकार की विचार लेना ठीक नहीं। अब नारदादि को प्राप्त नहीं हुआ, साधक लोग जाके, साधारण व्यक्ति जाके राधा कुंड में डुबकी लगा के बोले मुझे राधा प्रेम प्राप्त हुआ, ये बेवकूफ़ी है। कहने का अभिप्राय है कि अन्यान्य रस में, अन्यान्य भावों में प्रविष्ट जो भक्तगण हैं उनके लिए भी वो कांतरस दुर्लभ है, भगवत प्रेम से वो लोग वंचित नहीं है। इसलिए यहाँ पर नारदादि शब्द को प्रयोग करने पर, जैसे लिखा, अगर हम शब्दों के आधार पे चलते हैं, यहाँ लिखा साधक भक्तों का तो कहना ही क्या है, नारदादि जैसे भगवान के अतिशय प्यारे भक्तों के लिए भी जो भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, उसी सर्वोत्तम प्रेम गोपी प्रेम को वह राधा कुंड में एक बार स्नान करने वाला व्यक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो नारद जी को राधा कुंड में जाके स्नान करने के लिए कोई वो कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ही है। कहने का अभिप्राय, अन्यान्य रसों में जो पूर्व में ही प्रवृत्त हो चुके हैं, लेकिन साधक के लिए अभी व्यवस्था है, जो उस रस में प्रतिष्ठित है, एक साधक जो होगा उसके लिए है, वो आगे 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 बढ़ सकता है,
लेकिन जब स्थाई भाव होने के बाद, प्रेम उदित होने के बाद, जिस रस में वो स्थित है उसमें से फिर वहां से आगे जंपिंग वाला काम नहीं होता। चाहे वो साधक हो चाहे सिद्ध, अब अगर श्रेष्ठतम रस सिर्फ कांतरस ही होता तो हनुमान चाहते कि मैं कम से कम साख्य में तो जाऊं। कम से कम वो तो चाहते कि नहीं, हम तो कम से कम वात्सल्य में तो जाएं। जो रस में, जिस रस में स्थित है वो रस पूर्ण है, वहां पर लेश मात्र भी ये नहीं है कि रस में किसी भी प्रकार का अभाव हो। कृष्ण, कृष्ण में किसी, उनका कोई भी विस्तार में, किसी भी चीज में कभी भी कोई भी अभाव नहीं है, वो हर चीज पूर्ण है, इसीलिए हर रस पूर्ण है, हर रस पूर्ण है। ये अंतर उसी को पता चलता है जो साधक स्थिति में है, जो कि किसी भी रस में अभी गया नहीं है। कभी नहीं देखोगे सखा लोग कह रहे हैं कि वो रस तो श्रेष्ठ रस है, और कांत रस थोड़ा श्रेष्ठ रस है, कभी नहीं देखो। यहाँ तक कि द्वारिका की महिषियाँ भी ये बोलती हुई कि नहीं, हमें तो गोपियों का रस में प्रवेश करना है ना। जो जिस रस में प्रतिष्ठित है, स्थित है, उसके लिए वही सबसे उत्कृष्ट है। उसका कारण क्या है? ये उसका भ्रम नहीं है, क्योंकि कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ हर रस पूर्ण ही है। इसलिए जो स्थिति में नारद जी विराजमान है वो पूर्ण स्थिति है। नारद जी बोल रहे हैं, हम लोग भक्त भाव से, तुम लोग बांधव भाव से हो, कोई काम से है, कोई भय से है, लेकिन हर भाव, चाहे वो जो प्राथमिक जो रस है, पांच मुख्य रस, उसके अतिरिक्त जो गौण रस भी अगर भगवान के साथ जुड़ता है वो भी पूर्ण ही होता है, वही उसकी वैशिष्ट है। जो गौण रस है, चाहे हास, बीभत्स, करुण आदि जो कुछ भी रस है और रस, वो भी अगर भगवान के साथ में युक्त है उसमें भी पूर्णता की अनुभूति है, यही विशेषता। इसलिए नारद आदि कहने का अभिप्राय है यहां पर, जो भगवान के अतिशय ही प्यारे भक्त है, भगवान के अत्यंत प्रियतम भक्त है लोग, इनके लिए भी दुर्लभ है। मतलब कहने का अभिप्राय यही है कि जिस रस को यहाँ पर, जिस रस की उत्कृष्टता का वर्णन किया जा रहा है, वो रस प्राप्त करना दुर्लभ है, और वो है। क्योंकि उसको प्राप्त करना है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से गोपीजनों का अनुगत करना ही होगा। गोपियों के अनुगत किए बिना कभी कोई भी व्यक्ति उस दिव्य प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये बात है। इसलिए यहां पर भगवत प्रेम जो है वो दुर्लभ है ही है। भगवत प्रेम सहज वस्तु नहीं है, लेकिन उस भगवत प्रेम का जो प्रकाश है वो जिन रसों के माध्यम से प्रकाशित होता है, उसके अंतर्गत अगर गोपी प्रेम को किसी को प्राप्त करना है, जो कि सबसे श्रेष्ठतम रस है, उसको अगर किसी ने प्राप्त करना है, उनको क्या करना होगा? राधा कुंड में जाकर स्नान करना होगा, मतलब श्रीमती राधिका जी के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करना होगा। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज ये बात बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्वयं कभी भी राधा कुंड में जाकर उन्होंने स्नान नहीं किया,
यहां तक कि दिन के समय में राधा कुंड में गए भी नहीं, वो रात्रि के समय में जाते थे और किनारे से प्रणाम करके वहीं से वापस लौट के आ जाया करते थे। ऐसा प्रेम पूर्ण श्री राधा कुंड में अप्राकृत वास करने से और प्रेमामृत प्लावित श्री राधा कुंड में अप्राकृत स्नान करने से बता दिया। फिर प्रभुपाद जी ने आगे इसको थोड़ा घुमा दे, क्या बोल रहे हैं यहां पर, प्रेम पूर्वक राधा कुंड में अप्राकृत वास करने पर। कई लोग प्राकृत वास के बारे में सोचते हैं, बोलते ना अप्राकृत वास वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी अप्राकृत वास ही वहां पे किया, इसीलिए सब उनका साधन की सूक्ष्मता दिखाई पड़ता है। श्री राधा कुंड में जाके स्नान करना, ऐसे तो कोई भी जाके नहा लेगा, बहुत सारे यात्री बहुलाष्टमी के दिन इतने लाखों आदमी जाके स्नान करते हैं वहां पर। यहां इसीलिए बताया अप्राकृत वास करने की बात हो रहा है और स्नान भी अप्राकृत करना है। प्राकृत स्नान पर्याप्त नहीं होता, उससे लाभ तो होगा लेकिन पर्याप्त नहीं है उस गोपी प्रेम को प्राप्त करने के। इसीलिए बोला यहां पर नारदादि के लिए दुर्लभ प्रेम जो गोपी प्रेम है वो राधा कुंड में स्नान करने पे प्राप्त होगा। ऐसे तो कोई भी जाके स्नान कर लेगा, लेकिन कैसे स्नान करने, अप्राकृत स्नान। प्राकृत जड़ भोग वासना से उदासीन होकर श्रीमती जी के एकांतिक अनुगत में करना होता है ये सब। इसलिए गुरु महाराज जी का मुझे अभी भी याद है, एकदम गुरु जी गरजते हुए बड़े सिंह की तरह गुरु जी बोले राधा कुंड में कौन रह सकता है, बोलते शांत दास साख्य वात्सल्य का भी वहां पर स्थान नहीं है, साधारण साधकों का तो बात ही दूर की, साधारण साधकों तो चिंता भी नहीं कर सकते जो कि शांत दास साख्य और वात्सल्य आदि श्रेष्ठतम रसों में प्रविष्ट। वो लोगों के लिए भी वहां पर स्थान नहीं है। यह राधा कुंड, इसलिए बोल रहे हैं प्राकृत जड़ भोग वासना से उदासीन। वो जड़ वासना जितने भी है सांसारिक वासनाएं, उससे उदासीन होना पड़ता है। अभी एक व्यक्ति का प्रवचन सुन रहा था मैं, कृपा श्रद्धा, श्रद्धा से ही शुरू होता है। श्रद्धा मतलब व्याख्या करते हैं और बोलते हैं राधा रानी का कृपा, श्रद्धा मतलब राधा रानी का ही कृपा है, मतलब बस खत्म। इस तरीका की जो व्याख्या करके लोगों को थोड़ा सा भावुक करके उन लोगों को सहजिया बनाना वो ठीक नहीं होता, इस तरह की चीजें ठीक नहीं होता। इसको समझना होगा, राधा कुंड की महिमा कीर्तन करने पर, राधा भाव का कीर्तन करने पर, राधा प्रेम का कीर्तन करने पर व्यक्ति के अंदर अगर राधा प्रेम जागृत हो जाता है या राधा भाव उदित हो जाता है तो फिर कहना ही क्या। तब तो श्री रूप गोस्वामी पाद ये जो एकादशवां श्लोक है इसी को प्रथम श्लोक बनाते। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज इसको प्रथम श्लोक बना देते, लेकिन नहीं किया उन्होंने। सर्वप्रथम श्लोक को क्या, कौन सा उन्होंने प्रकाशित किया, हमने सुना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम
जीवां वेगम उदरम उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम शिष्य। जब एक व्यक्ति ये तमाम वेगों को दमन करने में समर्थ होता है, राधा कुंड में स्नान करने अथवा श्री राधा कुंड की महिमा का कीर्तन को करने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होता है, एक योग्यता की जरूरत, तब जाकर के उसका साधन शुरू होता है। कोई योग्यता नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ समय पहले हमको एक भक्त फोन करके कहते, मुझे आपसे पांच रसों के बारे में सुनना है। क्यों सुनना है तुम? वो कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, बॉम्बे में रहता था तब। वो फोन करके मुझसे कहता है कि जब आप अगले बार आएंगे रसों के बारे में सुनाना। इधर उधर किताबों में छाप दिया, उसको पढ़कर थोड़ा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद अब उनको रस के बारे में जानना है। रस में प्रवृत्ति होता है, प्रवेश होता है रस में, जब व्यक्ति साधन करते करते आगे बढ़ेगा। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी का शब्द समझ में आता है। गुरु जी क्लियरली बोलते हैं, पहले नाम प्रभु को तो अनुभव करो। राधा कुंड को अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है, पहले नाम प्रभु की अनुभूति आए कि नाम जो है एक स्वरूप है नाम का। और नारद आदि जो निरंतर भगवान के दिव्य नाम को कीर्तन करते जा रहे हैं, भगवान से एक पल के लिए भी विमुख नहीं है। भगवान के जो नित्य परिकर बने हुए हैं, ऐसे नारदादि के लिए दुर्लभ प्रेम एक साधारण सतुच्च बद्ध जीव राधा कुंड में जाकर के डुबकी लगाने पर उसे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की धारणा वो मूर्खों वाली धारणा है। इसलिए प्रभुपाद यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि अप्राकृत वास करो तुम भाई, शरीर के स्तर से ऊपर उठ। पहले जहां काम है वहां राम है ही नहीं। परमारध गुरु महाराज जी इसको कई बार बोला। ऐसा राधा रानी कुंज में बैठी हुई है, कृष्ण ने उनकी मेखला को पकड़ के खींच लिया है, उसके बाद चुन्नी खींच रहे हैं। इस तरह की फालतू की बातें भगवान के बारे में चर्चा करके, गोपियां ऐसी बोल रही है, कृष्ण को छेड़ रही है, इस तरह की फालतू की बातें बोलकर दुनिया को केवल सहजिया भी नहीं है, भगवान को एक निकृष्ट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का जो ढंग ये समाज ने जो शुरू कर रखा है, वो निश्चित रूप से अधोपतन की ओर लेकर के जा रहा है। परम गोपनीय जो तत्व है, परम गोपनीय उपदेश लीला, उसको प्रकाशित कर देना, वो कहां की बुद्धिमानी है। एक तरफ बोल रहे हैं ये बहुत गुह्यतम है, बहुत गोपन है, हरेक का अधिकार नहीं है, और उसके बाद उसको किताबों में छाप छाप के अगर कोई भी व्यक्ति जगत के आगे परोसता है, बदजीव के आगे परोसता है, तो वास्तविकता में वो ठीक नहीं है। उसकी साधना का स्तर क्या है और पढ़ने वाले का स्तर क्या है, और उसके बाद समाज का अंदर किस प्रकार की विकृति आएगा। रस तो बहुत आगे की बात है, श्रीमद् भागवत जी के अंदर ही बता दिया, निर्मत सरानाम सताम वेद्य, सताम वेद्य है, साधुओं के द्वारा उनको ही समझ में आने वाला वस्तु है, लेकिन वो भी मात्सर्यहीन होना जरूरी है। ईर्ष्या को जिसके अंदर आश्रय है, द्वेष जिसके अंदर है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध आदि है, वो व्यक्ति इस चीज को कभी भी नहीं समझ सकता। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने सबसे पहले बोल दिया, वाचो वेगम, अपने जुबान को तुम कंट्रोल करो, निग्रह में रखो,
उठपटांग कुछ भी बोलना वो ठीक नहीं होता। क्रोध वेगम, बिना मतलब का क्रोध करना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, ये ठीक नहीं होता। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, स्वभाव में गुस्सा हो सकता है, लेकिन निग्रह करना बुद्धिमान का लक्षण होता है। मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं ऐसा ही करूंगा, और उसके बाद जस्टिफाई करने के लिए दृष्ट ही स्वभाव जनित ही वपुजस्य दोष ही, इस प्रकार की बातें बोल देना, अभिजेत सुदुराचारों वाली बात बोल देना, इस तरह के जितने भी कपटी और निकृष्ट व्यक्ति है कभी भी इस अप्राकृत तत्व को नहीं समझ सकते। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है क्रम मार्ग को लेके आगे बढ़ता है। क्रम मार्ग कोई समस्या नहीं है, ये स्वीकार करना कि हम लोग भगवान से विमुख होके अनादिकाल से बद्ध हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम संभल के चलते हैं तो ये जो बात यहाँ पर बतलाया जा रहा है उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन व्यर्थ के भाव को प्रकाशित करने का कोशिश करते हैं, अपने आप को सिद्ध दिखाने का कोशिश करते हैं कि सब कुछ समझ में आता है, मुझे सब भाव आता है, ये होता है वो होता है, और उसके बाद कृष्ण प्रेम मैं ही दे सकता हूँ। इस तरह के विचारों को लेके चलने वाले जितने भी व्यक्ति हैं स्वयं नरकगामी होते हैं, और उनके अनुगत करने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। एक बदजीव जो कि साधक है उसके अनुगत करने वाला भगवान को पालेगा, लेकिन एक कपट व्यक्ति, अपने आप को परमहंस समझने वाला जो व्यक्ति, उसके अनुगत करने पर वो तो नरक में जाएगा ही, उसके अनुगत करने वाले भी नरक में जरूर जाएंगे। क्योंकि रियलाइजेशन का है, यही पढ़ के इस तरह से पढ़कर, नहीं तो लोग क्या करेगा। अब एक कहता है हनुमान तो दास्य में है, हनुमान जी तो दास्य भक्ति में है, हनुमान जी से श्रेष्ठ जो है पांडव है, बृहद भागवतामृत में वर्णन है, प्रमाण भी है उनके पास, सनातन गोस्वामी ने बता दिया, और वो भी नारद गोस्वामी के नाम से नरेशन है कि नारद जी जो श्रेष्ठ भक्त का निरूपण करने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए हनुमान के पास गए। हनुमान से जो है वहां पर पांडव के पास गए, पांडव के पास से उद्धव के पास गए, उद्धव जी बोलते नहीं नहीं व्रजगोपियां श्रेष्ठ है, इसीलिए मैं उनके चरणों का धूलि के कणों को वंदना करता हूं। इस प्रकार के इस चर्चा के आधार पे हनुमान से, हनुमान तो दास्य में है, हम तो गोपीजनों के दासों के दास हैं, हम तो कांत रस में श्रेष्ठतम रस में, ऐसी धारणा रखने वाला व्यक्ति कौन से नरक में जाएगा और कौन सा उसका साधना सिद्ध होगा, चिंतन करे। इसलिए नारद आदि के लिए दुर्लभ मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोगों में भक्ति का अभाव है, और जो नारद के लिए दुर्लभ है वो बदजीव के लिए सुलभ कैसे हो सकता है। सुलभ उसी व्यक्ति के लिए होगा जो कि अप्राकृत रूप से राधा कुंड में जाकर और अप्राकृत स्नान करेगा, उसी के लिए सुलभ है, ये विशेषता है। प्राकृत स्थिति में देह को धारण करके जाने वाला एक बदजीव, विकारों के साथ में युक्त जो बदजीव कभी भी उस अप्राकृत तत्व को स्पर्श ही नहीं कर सकता। धाम में खूब घूम रहे हैं तो ये बात क्यों बोला, धामेर स्वरूप स्पुरी वे नहीं ने, आंखों के आगे धाम का स्वरूप स्पुरी तो होगा, कब होगा, कवे गौरवने स्वर धुनी तटे हारा दे आकृष्ण बोले, व्रज में आकर रोना पड़ता है, भगवान के पाद पद में बैठ के विलाप करना पड़ता है, रोना पड़ता है। व्रज क्या होता है, शुद्ध भक्त का अंतकरणी व्रज है, इसीलिए परमाराध्य शल गुरुदेव का पावन सान्निध्य ही व्रज है। व्रज तो व्रज है ही है। जो लोग परमाराध्य गुरुपाद पद्म का
रूपानुग धारा में आए हुए आचार्य श्रेष्ठतम आचार्यों के पाद पद्म का आश्रय ग्रहण करके क्रंदन करते हैं व्याकुल भाव से कि मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। गुरुजी ने मुझको देख के ऐसे मुस्कुराया, गुरुजी मेरे से ऐसे बात क्या पूछा, तो ठीक है इस तरह इतनी चीजों से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। विश्रम्भेन गुरु और सेवा, उनके हृदय के अंदर घुसने का कोशिश करनी चाहिए, उनके अंतरंग में घुसकर प्रवेश करके उसमें जो छिपा हुआ जो बहुत गहरे जो रत्न है भक्ति के, उनको उसमें से लेने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के कृष्ण प्रेम क्या है समझ में आता है। केवल गुरुदेव के पास जाने से या धाम में आके इधर उधर घूम घाम के चले जाने से नहीं होता। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर जी महाराज बोलते तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। वो परिश्रम के अंतर्गत व्यक्ति राधा कुंड में भी जा रहा है, स्नान भी कर रहा है, वो भी उसी में आता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बोलते क्या करना है, प्राकृत नहीं अप्राकृत। वो कैसे होगा, गौर अमार जेसब स्थान करल भ्रमण रंगे सेसब स्थान हेरी बोमी, वो सभी स्थानों का मैं भ्रमण करूंगा दर्शन करूंगा। किसके साथ, प्रणय भक्त संग। क्योंकि प्रणय भक्त जहां है वो प्राकृत नहीं हो सकता, वो अप्राकृत होता है। ऐसे अप्राकृत जो भक्त हैं उनके पावन सान्निध्य ही व्रज है, वो जहां है वही व्रज है। व्रज तो व्रज है ही है, इसीलिए जो मूर्तिमान रूप से प्रकाशित व्रज है वो भी, और अप्राकृत व्रज के रूप में प्रकाशित परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म के पावन सान्निध्य भी, ये दोनों जगह पर बैठकर विलाप करना होता है, रोना पड़ता है, हा राधे हा कृष्ण। ऐसा रो रो के पुकारना पड़ता है, देह सुख छाड़ी, शरीर का सुख को छोड़कर कि मुझे मेरा शरीर को खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है, इसको छोड़कर जब आदमी विलाप करेगा विभोर होकर विह्वल होकर, तब जाकर एक समय आता है जब धाम का स्वरूप जो है उसके आंखों के आगे स्फुरित होगा प्रकाशित होगा, तब धामानुभूति होगा। और धाम का अनुभूति होने के बाद ही श्रीमती राधिका जी का दासत्व भी प्राप्त होगा, होई वो राधार दासी, राधा जी का जो दासी तब बनेगा। केवल मात्र किताब पढ़कर कोई दासी नहीं बनता, पढ़ पढ़ पोती पुस्तक पंडित भयानक होए, किताबें पढ़ लिया, इतने सारी किताबें पढ़ लिया, भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, जीरो। नॉलेज गेन कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी नहीं है और उसका कोई रियलाइजेशन भी नहीं। जब एप्लीकेशन और रियलाइजेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन किस काम का है, वो शुष्क ज्ञान है, अल्टीमेटली यूजलेस होगा, इट इज टोटली यूजलेस। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद इतने ग्रंथों को रचना करने के बाद भी एक बात के ऊपर उन्होंने बहुत एम्फसाइज किया, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय ग्राही वस्तु है ही नहीं, अप्राकृत वस्तु ना ये प्राकृति गोचर। इसलिए प्राकृत इंद्रियों के द्वारा कभी भी कोई भी व्यक्ति वो अप्राकृत तत्व को पहचान ही नहीं सकता। फिर सेवन मुखई व जीवादो स्वयमेव स्पृत, सेवोन्मुख होना पड़ता है तब जाकर स्वयमेव स्पृत, स्वयं ये सब कुछ अंदर से स्पृत होगा प्रकाशित होगा। ये विशेषता, इसलिए आप पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि
प्रेम पूर्ण राधा कुंड में अप्राकृत वास करने से, प्राकृत वास नहीं अप्राकृत वास करना होगा। अप्राकृत वास तभी संभव है जब व्यक्ति ये सारे पूर्व में बतलाए गए जो 8 श्लोक हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करेगा, तभी संभव है। और उसके बाद गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण करके उनके द्वारा प्रदत्त दिव्य उपदेशों को अपने हृदय में धारण करके उनका अनुशीलन करेगा, तभी ये संभव पर है, अन्यथा संभव नहीं। ये वस्तु जो है चर्चा से अथवा तर्क से लॉजिक से समझने वाला वस्तु है ही नहीं। यह पूरी तरह से शरणागत होकर के ही समझने वाला वस्तु होता है। जो शरणागत जो व्यक्ति होकर, जो व्यक्ति शरणागत होकर इस तत्व को अनुभव कर पाता है वो किसी अन्य साधना के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए परमाराध्य श्रील गुरुदेव ने सब समय के लिए समाज के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति ना आए उसके लिए जो सबसे एसेंशियल पार्ट है उसी के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया। वो क्या है? शरणागत। तुम शरणागत हो, पहले आश्रय लो। जड़ भोग वासनाओं से उदासीन होकर श्रीमती जी के एकांतिक अनुगत्य में मानस भजन करते करते इसी जगत में अथवा देह त्याग के पश्चात अप्राकृत नित्य देह से साक्षात नित्य सेवा परायण होकर श्री राधा कुंड में स्नान करने वाले ही सर्वोत्तम प्रेम लाभ करते हैं। आगे इस बात को स्पष्ट कर दिया। क्या करना होगा? श्रीमती जी के, श्री राधा रानी के एकांतिक अनुगत्य करते हुए, मतलब कांत रस में श्रीमती राधिका जी के अनुगत्य को करते हुए जो लोग क्या करते हैं, मानस भजन करते हैं, मानसी सेवा करते हैं। बाहर से तो सेवा करते ही है और मानस सेवा भी करते हैं। करके क्या करते हैं वो लोग? करते करते इस जन्म में, हो सकता है इसी जन्म में या नहीं है तो शरीर त्याग करने के बाद वो बोलते हैं अप्राकृत जो नित्य देह को प्राप्त करते हैं, क्योंकि भजन करते करते शरीर छोड़ा, श्रीमती राधिका जी के अनुगत में रहकर, राधिका जी के अनुगत में रहने वाले जो मंजरियां हैं उनके अनुगत में रहकर जिसने सेवा करते करते एक समय आने पर इस देह को त्याग किया, वो फिर वो जो नित्य देह को प्राप्त करेगा। करके जब वो श्री राधा कुंड के अंदर प्रवेश करेगा तब वो सर्वोत्तम प्रेम को लाभ करेगा। किसी किसी के साधना की तीव्रता और प्रबलता के चलते इसी जन्म के अंदर देह रहते हुए ही उनको उस सिद्ध देह का अनुभूति एवं श्री राधा कृष्ण के चरणों में वो युगल प्रेम, वो कांत प्रेम का प्राप्ति भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कि सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद ही होगा, ऐसा नहीं। ये संसार में रहते हुए, देह में रहते हुए भी उनको अपना स्वरूप का उपलब्धि हो सकता है। श्रीमती राधिका जी एवं उनके अनुगत जो मंजरियां हैं, सखियां मंजरियां इत्यादि, वही जब हम लोग उपयुक्त होंगे, एक साधक उपयुक्त होगा, सेवा प्राप्ति की कामना के साथ में विभोर होगा, तब जाकर के वो लोग कृपा करके उन्हें अपने उन सेवकों में, सेविकाओं में स्थान प्रदान करते हैं। उसके पूर्व जो हमारा सिद्ध स्वरूप है वो एक दास का ही स्वरूप होता है। तब तक हमारा स्वरूप दास का ही रहता है।
चाहे जो भी रस में हम लोगों की आवेश है, रुचि है, समर्पण है, लेकिन हम हमारा जो अपना स्वरूप है वो है हम दास है कृष्ण का, बस अभी बदजीव है। सबसे पहले अनुभव करना है कि मैं भगवान का दास हूँ। अनुभव करने के बाद अपने अधिकार के अनुसार जिस रस में हमारा प्रवृत्ति होगा, उस रस में जो प्रतिष्ठित भगवान के जो परिकर है उनके संग में रहकर मानसी सेवा करते 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 एक समय आता है जब व्यक्ति को सिद्ध देह लाभ होता है और सिद्ध प्रणाली प्राप्त होता है। अभी हमारा सिद्ध प्रणाली, हमारा भजन प्रणाली जो हमारे गुरुदेव के द्वारा हमें प्रदत्त है, तब गुरु कृपा से ही श्रीमती राधिका जी एवं उनके अनुगत जो मंजरियां वो कृपा करके हमें उस नित्य धाम के अंदर नित्य सेवा में नियुक्त करेंगे। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी बोल रहे हैं, युगल सेवाएं श्रीरास मंडले नियुक्त कर हमाए। क्यों बोल रहे हैं? कहने का मतलब कि साधना करते रहो, करते 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 जब उपयुक्त समय आएगा उस समय तुम्हारे ऊपर वो कृपा होगा और वो अनुभूति तुम्हें स्वतः स्फुरित हो जाएगा। इसलिए बोले देह त्याग के पश्चात अप्राकृत नित्य देह से साक्षात नित्य सेवा परायण होकर, नित्य सेवा परायण होगा वहाँ पर पार्ट टाइम काम नहीं है। आज पार्ट टाइम है, आज जो सेवा है ये पार्ट टाइम है, ये नित्य सेवा नहीं है। इसीलिए हमें स्पेस चाहिए होता है अपने खुद के लिए भी। उनको तो अपना बोल करके कुछ है ही नहीं, उस अवस्था के अंदर अपना बोल के कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है सब केवल श्री कृष्ण के लिए है, जो कुछ भी है सब केवल श्रीमती जी की सेवा के लिए ही है। तो इसीलिए बोलते हैं ऐसे जो नित्य सेवा परायण होकर जब राधा कुंड में स्नान करते हैं तभी सर्वोत्तम प्रेम को लाभ करते हैं। बहुत सारे आचार्य गणों ने अपनी अपनी भावनाओं को, अपनी अपनी व्याख्यान को इन चीज़ों को लेकर के दिया। उसको पढ़ना खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन अपना बुद्धि लगाकर उसको समझने का कोशिश करना वो निश्चित रूप से खराब है। उसको पढ़ने से पूर्व एक व्यक्ति को ये सब चीज़ों को समझना अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर के वो इस स्थान पे पहुंचता है, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे सौभाग्य की प्राप्ति नारद आदि भगवान के अतिशय प्रेमी भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ये बात है, कौन सा सौभाग्य? अप्राकृत रूप से राधा कुंड में वास करना, श्रीमती जी के नित्य सेवा के परायण होकर श्री राधा कुंड में वास करना अथवा राधा कुंड में स्नान करना, ये सब दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि जो उनके लिए जो दुर्लभ है वो परम बद्धजीव के लिए सुलभ है, वो नहीं हो सकता। ये चीज दुर्लभ है। विषयी लोगों की तो बात ही क्या। यहां पर फिर और बताया, दास्य साख्य और वात्सल्य रस आश्रित भक्तों के लिए भी श्री राधा कुंड का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। तो बदजीव के लिए सुलभ होता है, यही बात हमें समझना होगा। किसके लिए सुलभ होगा? पूर्व में वर्णित 8 श्लोकों को जिसने अपने हृदयांगम किया और उसके बाद उत्कृष्टता को जानकर श्रीमती राधिका जी के अनुगत करने लगा, इसीलिए आगे बता दिया। ये पूर्व श्लोक में इस बात को बताया कि क्या करना है। पहले तुम
8 श्लोकों को अपने हृदय में धारण करके अपने आप को पात्र बनाओ। पात्र बनाने के बाद वो बता रहे हैं क्या करना है, श्रेष्ठतम स्थान में जाकर के रहना है। वो कहाँ है? व्रज में। व्रज की श्रेष्ठता को यहाँ पर फिर बताया कि व्रज के अंदर कहाँ जाके रहना है, राधा कुंड में जाके रहना है, क्योंकि राधा कुंड श्रीमती राधिका जी का अभिन्न स्वरूप और कृष्ण प्रिया है। और अब बोलते कि राधा कुंड में जो व्यक्ति स्नान इत्यादि को करता है, उसमें अप्राकृत वास करता है, वही व्यक्ति उस अलौकिक दिव्य प्रेम को, कांत प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उसके अतिरिक्त अन्यान्य रसों में प्रवृत्त जो परिकरगण हैं, वो लोग भी श्री राधा कुंड के अंदर स्नान करने के लिए या वहां पर प्रवेश करने के लिए इतना सुलभ नहीं होता, उनके लिए भी दुर्लभ। काम को अंदर रख के, ईर्ष्या को अंदर रख के, द्वितीय अभिनिवेश को अंदर रख के कोई भी व्यक्ति अप्राकृत तत्व को नहीं समझ सकता है, स्पष्ट शब्दों में। इसीलिए उसके बारे में सुनना बिल्कुल वैसा ही है कि एक छोटे बच्चे के सामने बड़ी बड़ी बातें करना। छोटा बच्चा होकर अगर बड़ी बड़ी बातें करता है, वो सुन के अच्छा नहीं लगता। उसके उम्र के हिसाब से बातें जो वो करता है वही प्यारे लगते हैं। वो अपने उम्र के हिसाब से जो बात करेगा वही अच्छा लगता है सुनने में। ठीक उसी प्रकार से अधिकार के अनुसार साधना में आगे बढ़ना वही एक साधक का हित में है। इसके अतिरिक्त अपने अंदर गंध को रखकर, ईर्ष्या द्वेष काम आदि को रखकर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का गुलाम होकर, कनक कामिनी प्रतिष्ठा का लोलुप होकर जो कोई भी व्यक्ति इस अप्राकृत तत्व को प्राकृत बनाने का प्रयास करता है, वो अपना सर्वनाश करता है और अपने अनुगत जनों का भी सर्वनाश ही करता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।